और फिर क्या हाल चाल है दोस्तों। तो आज का ये टॉपिक है जो सबसे ज्यादा मुझसे दोस्तों ने पूछा है कि आजकल कस्टमर जो है वो खुद का काम खुद ही कर लेते हैं, उनको टेक्नीशियन की जरूरत नहीं पड़ती। और कई दोस्तों का तो कहना यह है कि पहले तो वो खुद काम करने की पूरी कोशिश करते हैं, अगर उनसे नहीं होता है तो फिर हम टेक्नीशियनों को बुलाते हैं और जो काम थोड़ा सा रहता है उसे वो बहुत ज्यादा फैला के रख देते हैं। बात तो सही है और मेरे साथ भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के साथ ही होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि कई कस्टमर जो है अपना खुद ही जो है इंजीनियर बन जाते हैं, करने की कोशिश करते हैं और वो उनसे नहीं होता है, वहाँ पे असफल हो जाते हैं तो फिर वो हम जैसे टेक्नीशियनों को बुलाते हैं। तो ऐसा मेरे साथ भी होता है, आप लोगों के साथ भी नहीं होता। काफी सारे टेक्नीशियन भाई इस बात के ऊपर बड़ा ही गुस्सा हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, तो उससे मेरा क्या फायदा। देखिए कई ऐसे कस्टमर है जो अपने फील्ड से रिटायर होकर के घर बैठ जाते हैं और कुछ उनके पास में काम नहीं होता तो कोशिश करते हैं कि वो अपना ही खुद कर ले, क्योंकि हम में भी ऐसा ही होता है कि हमारा काम हम खुद ही कर ले, जिसे हम बोलते हैं सेल्फ वर्क। अगर काम खुद से हो गया तो बहुत बढ़िया है, अगर खुद से नहीं हुआ तो फिर हम इंजीनियर को बुलाएंगे, टेक्नीशियन को बुलाएंगे। तो ऐसा उनके विचार होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टर अपना काम घर में जो है वॉशिंग मशीन उसकी खराब पड़ी है तो वो खुद ही कर रहे हैं, या कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो अपना एसी खराब हो गया तो वो खुद ही अपने एसी को सही कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। बात तो सही है। जब वो लोग रिटायर हो जाते हैं या उनके पास में कोई काम नहीं होता या उनके पास में बहुत सारा समय होता है वो करने के लिए या कोशिश करने के लिए, वो ये सोचते हैं कि हम पहले कोशिश कर लेते हैं, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर इंजीनियर को बुलाएंगे। ऐसे उनकी मेंटेलिटी होती है, ऐसा सोच होता है, और ऐसी ही सोच हमारे अंदर भी होती है। हमारे घर में भी कुछ ऐसा काम पड़ा हुआ होता है जिसे हम ये सोचते हैं कि किसी और को बुलाने के बजाय हम खुद करने की कोशिश कर लेते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर हम देखेंगे कि किसी और को बुला के कराएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ऐसी ही मेंटेलिटी सबके अंदर होती है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ कस्टमर है तो हम कस्टमर के बारे में ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कस्टमर अपना काम खुद कर रहा है तो उनको कभी टेक्नीशियन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब काफी सारे दोस्तों ने मुझे जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तो मुझे कमेंट करके बताते थे कि आप यूट्यूबरों के वजह से जो है कस्टमर अपने काम खुद कर रहा है और हम टेक्नीशियनों की अब जरूरत ही नहीं, हमारा धंधा तो बिल्कुल चौपटी कर दिया है, हमारे पेट पे लात मार रहे हैं वगैरह वगैरह, इस तरह के कई कमेंट आते थे। उन लोगों को मैंने काफी समझाया है, काफी वीडियो के माध्यम से भी उनको समझाया है। देखिए ऐसा नहीं होता है, जिसे काम करना है वो ही करेगा, जिसे काम सीखना है वही सीखेगा, जिसको नहीं आता है उसे नहीं ही आएगा। क्योंकि हर एक काम को सीखने की एक चाह होनी चाहिए, एक लगन होनी चाहिए, तभी वो इंसान वो काम सीख सकता है और कमाई कर सकता है। और हमारे YouTube पे जो ये वीडियो डालते हैं, जितने भी हमारे टेक्नीशियन भाई भी डालते हैं, तो वीडियो डालने का मतलब ये नहीं कि सारे ही लोग काम सीख जाएंगे और टेक्नीशियनों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिसे सीखने की इच्छा होगी, जिसकी चाह होगी, वही ये काम सीख सकता है। और हर इंसान काम सीख के करेगा भी क्या, अपने घर के एसी फ्रिज वगैरह वो खुद नहीं ठीक कर सकता, क्योंकि उसके घर में एसी फ्रिज कभी कभी खराब होते हैं और उसके लिए वो इतना दिमाग खराब नहीं करेगा कि मैं सारी चीजें जो है डिटेल में सीख जाऊं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया कि कस्टमर घर पे खुद ही काम क्यों करते हैं, क्योंकि वो खाली बैठे रहते हैं, वो अपने काम से रिटायर हुए हुए रहते हैं, इसलिए सोचते हैं कि हमारा काम पहले खुद करके देख लेते हैं, अगर आ जाएगा तो ठीक है, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो बाद में हम टेक्नीशियन को बुलाएंगे। तो देखिए यहाँ पे गर्म होने की जरूरत नहीं है, हर कस्टमर हमारे लिए वैल्यूएबल होता है और हर कस्टमर की हमें इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर के वजह से ही हम लोग कमाते हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जैसे कि जियो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां, वो हमेशा अपने कस्टमर को वैल्यू देती है क्योंकि कस्टमर उनके लिए बहुत ही वैल्यूबल होता है। इसी तरह से हम टेक्नीशियन को भी कस्टमर को बहुत वैल्यू देनी चाहिए, बहुत इज्जत देनी चाहिए, तभी हमारे काम में तरक्की मिलेगी और हमें ज्यादा काम मिलेंगे और इतने काम मिलेंगे कि आपको कभी काम से फुर्सत ही नहीं मिलेगी। जब भी आपको कोई कस्टमर ऐसा मिलता है कि उसने अपने घर का काम खुद ही कर लिया है और वो काम उससे खराब हो गया, तो उसके ऊपर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। हो सके तो उसे समझाइए, समझाने की कोशिश कीजिए कि आप इस तरह की चीजों में हाथ मत डाला करें, आपसे ये चीजें खराब भी हो रही है और हो सकता है कि कोई नुकसान भी हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती है, बिजली से चलने वाली चीजें होती है, तो उनको उसके बारे में समझाइए और अवेयरनेस कीजिए कि इस तरह के कामों में आप लोग हाथ मत डाला करें। तो ये चीजें हम कस्टमर को समझा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई कि कस्टमर ऐसा क्यों करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि मेरे साथ भी कई ऐसे कस्टमर जो है मुझे मिलते हैं जिनके यहाँ पे वो खुद ही काम खुद ही करने की पूरी कोशिश करते हैं, नहीं होता है तो हम जैसे टेक्नीशियन को बुलाते, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपको यहां पे समझ में आया। और दोस्तों अंत में आप सभी को यही कहना चाहूंगा, जितने भी हमारे टेक्नीशियन भाई है, कि कस्टमर को सिर्फ कस्टमर बना के रखिए, रिश्तेदार मत बनाइए। मैंने हमेशा हर वीडियो में बोला है कि कस्टमर को आप कस्टमर बना के रखेंगे तो हमेशा तरक्की करते रहे। कस्टमर आपको जैसे भी काम बताए, जितने भी काम बताए, हर काम की अपनी एक कीमत होनी चाहिए, और आप जब अपनी कीमत मांगते हैं, अपनी मेहनत का पैसा मांगते हैं, तो कोई भी कस्टमर आपको मना नहीं करेगा। मैंने कई ऐसे टेक्नीशियनों को भी देखा है, मैंने ऐसे कई कस्टमरों को भी देखा है कि कई कस्टमर आपकी जी हुजूरी करते हैं, बहुत ज्यादा आपके साथ में पारिवारिक माहौल बना लेते हैं, जिसकी वजह से कई बार टेक्नीशियन भाई हमारे पैसे ज्यादा नहीं मांग पाते हैं या जितना पैसा मांगते हैं वो उसके आधा ही दे देते
देते हैं और वो बिल्कुल शर्मिंदा होकर के उतने ही पैसे लेके चले जाते हैं। लेकिन बाद में ऐसा कुछ होता है कि कस्टमर आपको फोन करता रहता है और हम लोग फोन नहीं उठाते। और ऐसा मैंने कई टेक्नीशियनों के साथ में देखा, क्योंकि मैं कई लोगों से मिलता हूं तो वो लोग अपनी सारी चीजें मुझे बताते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे साथ में होता है। तो इसलिए कस्टमर को हमेशा कस्टमर बना के रखिए और कस्टमरों को हमेशा वैल्यू दीजिए, हमेशा इज्जत दीजिए, तभी आपको आपके काम में तरक्की मिलेगी और बहुत ज्यादा काम मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए नीचे सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक कीजिए, घंटी का बटन दबाइए। जब भी नया वीडियो डालेंगे हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और ये बिल्कुल फ्री है, एक ही बार करना है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।